नमस्कार, वीआईपी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं पीके सिंधुस्तानी एक खास खबर के साथ। आज हम खड़े हैं श्री श्री 1008 सिद्धियों की बाबा उदयनाथ जी महाराज डेरा गांव छपार जोगियान में, तहसील तोसाम जिला भिवानी हरियाणा का ये सैकड़ों सालों पुराना जो है ऐतिहासिक दरबार यहाँ पे बाबा उदयनाथ जी महाराज का बताया जा रहा है। और आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में साधुगण योगी महाराज जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और आज हम जानते हैं यहाँ के जो महंत हैं उनसे कि आज ये प्रोग्राम है ये किस विषय में रखा गया है और क्या आज के कार्य की रूपरेखा रही होगी। तो आइए आपको मुलाकात करवाते हैं। आज हम उनसे जानते हैं जिनकी बरसोदी है उनके भी बताते हैं, बहुत सारे चमत्कार यहाँ पे हैं उनके मुखारविंद से, बहुत ज़्यादा जो भी वचन उनके नाम से निकला है उनके मुखारविंद से निकला है वो आज तक इस गांव में पूरा हुआ है। और इसी पर्चे को जानते हैं, उन्हीं के चमत्कार की कहानी बाबा जी से जानते हैं। बताइए महाराज जी, बाबा हथोड़ीनाथ जी से आप काफ़ी परिचित रहे हैं जिनकी आज बरसोदी है, उनके बारे में आप बताइए कि उनके क्या चमत्कार थे, उनके उनका जो व्यक्तित्व या फिर जो उनकी जो शक्तियाँ थी उनका नाथ संप्रदाय में कैसा रुतबा रहा है और किस प्रकार की जो उनकी वाणी रही है, किस प्रकार का उनका नेचर रहा, ये पूछना चाहूँगा। बल्ले बल्ले थी वाणी जो उल्टा नहीं साधु था दया बिना धर्म नहीं है, दया थी संत में, बढ़िया संत था। और तुम्हारा जोई का भी मैं जोई मन में आगे ये गुम्मत भी मारा है, मान ले कई काम में परिचय है गुम्मत में, लोट लंगोट जो भी बोल रहे थे गुम्मत में आकर था, यह भर्तरी रहेगा आई ना नंबर यह से ही भर्तरी का प्राग है, कोई कफलाणी है, कोई भर्तरी, कोई सतनाथ का है, कोई अमरनाथी है, कोई नटेश्वरी, ये माया है एक बाबा गोरखनाथ की। लेकिन ये तो गिनती खाते डोले बांध रखे भाई, जो पहचान बता दी जो बनाना देते हैं दिखना लगे, यानी जिस प्रकार से जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू रीति रिवाज है, उनमें जो जातियां हैं कास्टिज्म है, ठीक इसी प्रकार से साधुओं में भी अपने अपने संप्रदाय हैं, अपने अपने जैसे कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई नाथ है, तो ये भरथरी बैराग के साधु यहाँ पे पहुँचे। तो महाराज जी, बाबा बोधिनाथ जी महाराज का नाम भी इसमें बीच में आया है और उनके भी चमत्कार सुनने में आ रहे हैं कि उनके क्या चमत्कार रहे हैं और यहाँ इस डेरे में ऐसा क्या खास हुआ है जिससे मतलब इतने साधुगण यहाँ पे आते हैं और पूरे एरिया में यहाँ पे पूरा नाम है और जितने भी महंत यहाँ पे इस गद्दी से हुए हैं उस गद्दी के जो बहुत बड़े बड़े पर्चे यहाँ पे सुनने को आ रहे हैं। तो बाबा बोधिनाथ जी महाराज के बारे में आप दो शब्द बताइए। ऐसा है, हमें गुरुजनों से जो सुनने को मुखारविंद से मिला है उसमें महाराज बोधिनाथ जी के बारे में ऐसा सुना है कि उन्होंने खान मठोई में बाबा बाड़ीनाथ जी हुआ करते थे, उन्होंने लाहौर से 100 मन की रास उड़ाई थी। पुरानी भाषा में रास बोलते हैं कि आकाश से कुछ चीज को उड़ाना जी, रास बोला करते, तो 100 मन की रास उड़ाई। यहाँ बता रहे हैं कि मठ में बाबा बाड़ीनाथ जी थे, उनको कैसे आभास होया, आभास होया उन्होंने 50 मन के वहीं से आश्रम में ये मठ में उतार ली। अब बाबा बाड़ीनाथ जी को आभास हुआ कि और तो कोई रास्ते में उतारने वाला ऐसे था ही नहीं जी, जी। तो छपार में होगा वही है और तो है नहीं। महाराज बाड़ीनाथ जी बता रहे 300 बढ़ा के आए थे जी जी, उसमें सुबह सुबह का वक्त था, महाराज बाड़ीनाथ जी 300 रूप बना रखे थे, एक स्वरूप के यानी देह बदलना जी, शेर का रूप भी और कुत्ते का रूप भी और गढ़ में साफ। महाराज बोधिनाथ जी बता रहे हैं पुरानी परंपरा ये जो यहाँ ये मकान बनाए हैं या पुरानी दीवार थी, क्योंकि महाराज बोधिनाथ जी दातुन करते करते देखा कि ये तो 3 रूप बना रहा है, तो पुरानी ऐसी भाषा है साधु जनों की किचल लंडी की, ये एक इंसान 3 ठोड़ दुखी हो रहा इस ताजा 4 कर तू भर दे तुम क्या दीवार चला दी थी, सब तो बड़ा चमत्कार, दीवार चला दी बिना जैक बिना
फिर दूसरा चमत्कार इतना बड़ा और बाबू की नाथ कह रहे हैं कि भीतर जो जाति है जी जी पुराने बूढ़े बुजुर्ग भी बतावे हैं, पुराने मारे जो दादा गुरु थे जो पुराने साधु थे वो भी यही बतावे हैं कि ये घोड़ी की अगाड़ी पछाड़ी कुत्ता था। अच्छा जी। और सूखा जांडी का लट काट के कुत्ता रोता था और वो हरा हो गया, जांडी का पेट हो रहा है क्योंकि उसका और भी कुछ देखने नहीं सा मिला मौसम के हिसाब से, जैसे क्लाइमेट हो कि इस दिशा में सांगर नहीं लागी तो बोले इस दिशा में नाश घाट होगा, इस दिशा में जो ढींड रहे थे लाग गए तो वो दिशा में थोड़ा मोटा नाश सा वक्त को नहीं घटा सा, इस दिशा में भरपूर सांगर लाग गए बोले उस दिशा में नगरी का जमाना सम्मत अच्छा होगा, ऐसी भी एक वो देखने को चमत्कार आज भी है। इसी प्रकार से कह भी रहे हैं कि आज भी महाराज बूटीनाथ जी घोड़े पे चढ़ के अपनी नगरी की आठों नगरियों की परिक्रमा देते हैं। अच्छा जी। आज भी ऐसा, और मठ के अंदर जो साधु या पुजारी अपने नित नेम से जो करता है जो ध्यान, उसको यह आभास भी होता है कि वो किस समय आते हैं और कैसे जाते हैं क्या, लेकिन वो लीला अलग ऐसी है कि गूंगे को गुड़ खिला दिया तो स्वाद कैसा होता है वो गूंगे वाला गुड़ है। तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार है बाबूनाथ जी के। तो ऐसा बात है जी कि इसके बारे में बात करे हुए तो सागर का गागर बनाने के लिए समय चाहिए। तो बहुत बहुत ऐसे ऐसे महाराज बूटीनाथ जी के चमत्कार, इतने इतने कष्ट ग्रह क्लेश तक भी ऐसा भी कष्ट हो महाराज बूटीनाथ जी के नतमस्तक हो ये नारियल चढ़ाइए और श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पण हो जाइए, फिर देखिए क्या बात है। बोल श्री बाबा उद्धवनाथ जी महाराज की। रंगारंग कार्यक्रम जो चल रहा है, एक पार्टी है, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। केवल आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे बाजा पार्टी यहाँ पे पहुंची हुई है, मेरा संतोष मेरा संतोष दिया आपको स्वागत करता हूँ। आपको बता रहे हैं बताई, और यहाँ पे जो दीवारें हैं वो भी चली हैं, और एक दो उदाहरण जो चमत्कारी पेड़ का जो दिया जा रहा है वो भी अभी साक्षात आप देख पाएंगे, मंदिर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप मंदिर में विजिट करें, और यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों का समाधान भी किया जाता है और बहुत सारे दुखों का निवारण बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पे किया जाता है। तो जिस भी भक्त को परेशानी है समस्या है वो बाबा के दरबार में नतमस्तक होकर के अपना नारियल चढ़ाए और अपने बेड़े पार करवाए, तब तक के लिए बने रहेगा जय दिन हरियाणा के साथ। आज की खबर में बस इतना ही, बने रहिएगा वीआईपी न्यूज हरियाणा के साथ। जय हिंद जय भारत।